विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर भारत स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यालय और दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना के द्वारा आयोजित क्षेत्रीय परामर्श के दौरान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन नॉर्थ जोन इंडिया एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन तथा 13वें IAPSM पंजाब चैप्टर 2018 वार्षिक सम्मेलन का हिस्सा है। इस संबंधी एक विशेष कॉन्फ्रेंस लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में आयोजित की गई। Believe in current times, academic institutions or educational institutions are temples of modern India or this current generation. So it's always honor. It's a two-way learning when you share some knowledge and then you learn from the audience. What I would do for next, from health financing to a broader theme, because most often there is a confusion when health financing or health insurance is equated with the universal health coverage. That is not the case. And that's the point we would like to... विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है। इस दिन के लिए एक थीम का चयन किया जाता है। इस साल वह थीम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हिंदी में हम इसको सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि आम आदमी के लिए इसका मायने क्या है। इसका उद्देश्य, इस थीम का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं वो उनकी संख्या बढ़े और स्वास्थ्य सेवाओं के इस्तेमाल करने में कोई भी व्यक्ति गरीब न हो। सो विश्व स्वास्थ्य संगठन सरकारों का राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि स्वास्थ्य सेवाएँ ज़्यादा लोगों को पहुँचें, ज़्यादा सुविधाएँ मिलें और कोई भी गरीब ना हो। मुख्य मुद्दा है दुनिया में किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का निर्णय नहीं करे कि वो अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करे या दवाइयों का। अगर किसी व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत है तो उसे इलाज उपलब्ध होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक चीज़ है कि स्वास्थ्य राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। सो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करने के लिए राज्य सरकारों को कदम उठाने होंगे, तभी यह संभव होगा। एक अहम बात यह है कि किसी भी देश को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करने के लिए अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस भी आर्थिक स्थिति में हैं वहाँ से एक ऐसे कदम उठा सकते हैं कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पूरे देश में 8 राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम करा रहा है। लुधियाना में आज दयानंद मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर एक गहन चर्चा करने जा रहा है, जिसमें देश के लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जो जन स्वास्थ्य के मामले में जानकारी रखते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात करेंगे। यह विचार किया जाएगा कि हिंदुस्तान आज किस स्थिति पर है, क्या कदम उठाने की ज़रूरत है कि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचें और इस पर जो निर्णय लिए जाएंगे वो लार्ज ग्रुप के साथ शेयर किए जाएंगे। ये हम जो कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं ये हम WHO के साथ मिलके कोलैबोरेशन में करवा रहे हैं और जो विश्व स्वास्थ्य दिवस पे इस बार थीम दिया गया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, उसके बारे में हम सारे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट को इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं और ये एम्फसाइज़ करना चाहते हैं कि जो ये स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं ये सबको उपलब्ध होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि वो गरीब है या अमीर है। और जो स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से गरीबी बढ़ रही है उसको दूर करने के लिए ये थीम जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। लुधियाना वासियों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं वो सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर्स हो गए और मेडिकल कॉलेज में जो हमारे सेंटर्स हैं जहां पर ये फ्री में सुविधाएं स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं उनको हम किस तरह से और एक्सपैंड कर सकते हैं और किस तरह से लोगों को हम इसकी और जानकारी दे सकते हैं कि ये सुविधाएँ उनको दी जाती हैं। इस कॉन्फ्रेंस में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2018 के मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन
की क्षेत्रीय निर्देशक दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि सभी को स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में लाने का वायदा एक साहसी कदम है। इसके तहत सभी लोगों को क्वालिटी हेल्थ जरूरत के समय कहीं भी इसी तरह उपलब्ध करानी है ताकि उन्हें वित्तीय तंगी का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर संदीप पुरी, डॉक्टर गुरप्रीत वंडर, डॉक्टर राजू सिंह चीना सहित विशेष प्रतिनिधि उपस्थित थे। वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से विकास भामरी की रिपोर्ट।